नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसलिए आप जब अगर आप पढ़ रहे हो टू पोर्ट नेटवर्क, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि पोर्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ही हम आगे जा सकते हैं। तो बेसिकली आपका एक पोर्ट, हम उसको बोलते हैं सिंपली, कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है ना, जो आपके दो पोर्ट होते हैं नॉर्मली देखते हो, तो इनपुट पोर्ट होता है, एक आउटपुट पोर्ट होता है, वही आपके पोर्ट होते हैं। ये होता है इनपुट और एक आउटपुट पोर्ट होता है। ठीक है, अब लेट्स से यहाँ पे कोई भी लीनियर लीनियर नेटवर्क है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये आपका क्या होगा, इस साइड वाला इनपुट पोर्ट, और ये हो गया आपका इनपुट वोल्टेज V1, और ये आपका करंट हो गया इनपुट करंट। ठीक है, और ये हो गया आपका आउटपुट पोर्ट, ये आउटपुट वोल्टेज और ये आउटपुट करंट। ठीक है, ये आपका एक पोर्ट है इसमें। ठीक है, ये एक पोर्ट है और एक ये पोर्ट है। कितने पोर्ट हो गए टोटल? दो पोर्ट है। तो ये पूरा एक क्या हो गया आपका, एक टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, ये आपका एक टू पोर्ट नेटवर्क। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मोस्टली सबको पता ही होगी वो। ठीक है, ये जैसे ओपन सर्किट होता है कोई भी, तो ओपन सर्किट में हम क्या बोलते हैं कि रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, इनफाइनाइट, और करंट आपका क्या होता है, जीरो, और वोल्टेज आपका क्या होता है, नॉट जीरो। ठीक है, जब शॉर्ट सर्किट की बात होती है, ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट में आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो, और करंट आपका नॉट जीरो, और वोल्टेज आपका जीरो। ठीक है, ये तो मोस्टली सबको पता ही होगा। अब जब भी हम टू पोर्ट नेटवर्क की बात करते हैं, तो इसमें आपके तीन पैरामीटर, चार पैरामीटर आते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका एक क्या आता है, जेड पैरामीटर, सेकेंड आपका आता है वाई, ठीक है, थर्ड आपका आता है एच, ठीक है, यानी हाइब्रिड, और फोर्थ आपका आता है टी, या फिर आप इसको एबीसीडी भी बोलते हो, एबीसीडी या फिर ट्रांसमिशन पैरामीटर। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको दो पैरामीटर बताऊंगा, जेड और वाई पैरामीटर। ठीक है, इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा, मैं आपको सिंपली बहुत इजी वे में बताऊंगा कि आप जेड पैरामीटर को वाई पैरामीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, और वाइस वर्सा, वाई को जेड में कैसे कर सकते हो इजीली, सिंपली 10 सेकंड में आपके, मतलब कोई भी आप कन्वर्ट कर सकते हो इसको उसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जेड पैरामीटर, जेड पैरामीटर। ठीक है, अब मोस्टली लोग, मतलब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो जेड पैरामीटर की इक्वेशन होती है उनको रट लेते हैं। ठीक है, तो इतना इसमें कुछ रटना नहीं होता, आपको बस सिंपली देखो ये याद होना चाहिए। अगर हम जेड पैरामीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इसमें जो वोल्टेज होता है ना, वो बेसिकली आपका फंक्शन होता है करंट का, I1 और I2 बेसिकली ये होता है, जो वोल्टेज होता है आपका वो फंक्शन होता है करंट का। ठीक है, अगर आपको कोई नेटवर्क दे दिया और उसमें आपको पूछा है कि उसका जेड पैरामीटर बताओ, अब उस नेटवर्क में, अगर आप उस नेटवर्क में वोल्टेज की इक्वेशन को करंट की इक्वेशन में नहीं लिख सकते हैं, तो उसका आप जेड पैरामीटर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसका मैं एग्जाम्पल भी लूंगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब ये इसका जेड पैरामीटर में वोल्टेज आपका होता है फंक्शन करंट का। ठीक है, अब इसको अगर मैं देखो, अब जेड पैरामीटर के केस में दो नेटवर्क बन सकते हैं इसमें, देखिए ये आपका हो गया लीनियर नेटवर्क। ठीक है, सिंपली ये आपका इनपुट वोल्टेज V1, ये आपका आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, अब सेम सर्किट को आप ऐसे भी बना सकते हो, लीनियर नेटवर्क, और ये आपका हो गया इनपुट करंट सोर्स, ये आपका बेसिकली I1 हो गया, ये आपका I2 हो गया। ठीक है, अब ये भी एक टू पोर्ट नेटवर्क है और ये भी एक टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, बट इस नेटवर्क में क्या है, इसको हम किससे ड्राइव कर रहे हैं, ड्रिवन बाय एक वोल्टेज सोर्स से हम ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, इसको, और इस केस में ड्रिवन बाय करंट सोर्स। ठीक है, दोनों ही टू पोर्ट नेटवर्क है, बस एक इसमें क्या हो रहा है कि वोल्टेज सोर्स से ड्राइव कर रहे हो और दूसरे को हम करंट सोर्स से ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो मैंने बताया कि वोल्टेज इस केस में फंक्शन होता है करंट का, ठीक है, तो इससे जब इक्वेशन हम निकालते हैं, तो जब इनपुट पोर्ट की बात करते हैं, यानी V1, उसकी इक्वेशन आपकी होती है Z11 इंटू I1, आप इसको देख के निकाल सकते हो। ठीक है ना, सिंपली I1 प्लस Z12 इंटू I2, V2 आपकी हो जाएगी Z21 इंटू I1 प्लस Z22 I2। ठीक है, ये आपकी दो इक्वेशन हो गई। अब इसको अगर मेरे को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा, देखिए V1 प्लस
डिवाइडेड बाय बी टू, ये एक मैट्रिक्स में लिख लिया, ठीक है, और ये पूरा मैट्रिक्स में आएगा जेड वन वन, जेड वन टू, जेड टू वन, जेड टू टू, ये आपका करंट हो जाएगा आई वन और आई टू, ठीक है। इसमें बेसिकली ये जो है मैट्रिक्स जेड वाली, ठीक है, जेड पैरामीटर वाली, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कैपिटल जेड और ये पूरा मैट्रिक्स में, ठीक है। तो बेसिकली मोस्टली क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ये वाली जेड मैट्रिक्स पूछ लेते हैं, या फिर इंडिविजुअली कभी कभी वैल्यू भी पूछ लेते हैं डायरेक्ट के जेड वन टू की वैल्यू बताइए, जेड टू वन की बताइए, ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए इनकी वैल्यू आप कैसे निकालते हो, ठीक है। अब इसमें दो, अब दो केस लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट केस लेते हैं कि जो आपका इनपुट पोर्ट है, इनपुट पोर्ट को हम ओपन सर्किट कर देते हैं, इनपुट पोर्ट ओपन सर्किटेड, ठीक है। अब मैं ये जो वोल्टेज ड्रिवन वाला जो सर्किट था ना, ये वाला यूज करता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए मैं इनपुट पोर्ट को ओपन कर देता हूँ, ये मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। ये आपका लीनियर नेटवर्क हो गया, वही लीनियर नेटवर्क, ठीक है। और इस पोर्ट में आपका जो नॉर्मल वोल्टेज है V1, V2 बेसिकली, ठीक है, वो है ये, और करंट आपका फ्लो हो रहा है I2। अब यहाँ पे देखिए ये क्या ओपन सर्किट, क्या ओपन है, यानी कि इसमें करंट क्या हो गया आपका I1 की वैल्यू जीरो, इसलिए पोलर ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। I1 क्या हो गया जीरो, बट यहाँ पे वोल्टेज तो अभी भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ओपन सर्किट में वोल्टेज जीरो नहीं होता, ठीक है। इस केस में आप देखिए क्या है आपका I1 जीरो, ठीक है। तो अब ये जो I1 जीरो है ना, ये इस दोनों इक्वेशन में रखते हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, V1 इक्वल्स टू Z11, I1 की वैल्यू जीरो है तो जीरो, प्लस Z12 और I2, ठीक है। तो इस इक्वेशन से देखिए आप Z12 की वैल्यू क्या आई आपकी, V1 डिवाइडेड बाय I2, ठीक है, ये आ गई आपकी Z12 की वैल्यू। अब सिमिलरली ये तो आपने फर्स्ट में रखा, आप सेकंड इक्वेशन में रखते हैं, तो V2 इक्वल्स टू Z21 मल्टीप्लाई जीरो, बिकॉज I1 की वैल्यू जीरो है, प्लस Z22 मल्टीप्लाई I2, ठीक है। तो यहाँ से Z22 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V2 डिवाइडेड बाय I2, ठीक है। आपके पास Z22 की वैल्यू आ गई और Z12 की वैल्यू आ गई। अब ये तो आया आपका फर्स्ट केस, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं, इस बार इस केस में हमने क्या किया था कि जो इनपुट पोर्ट था आपके, उसको आपने ओपन सर्किट कर दिया, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं कि जो आपका आउटपुट पोर्ट है, आउटपुट पोर्ट को हम ओपन सर्किट कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किट करने का मतलब है कि I1 जीरो, आउटपुट पोर्ट को ओपन सर्किट करने का मतलब क्या होगा अभी I2 जीरो, ठीक है। अगर इसका मैं सर्किट बनाना चाहूँ तो देखिए ऐसा बनेगा कुछ, लीनियर नेटवर्क, ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स होगा V1 और ये बेसिकली ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे हो जाएगा, ये I1 करंट और ये I2 क्या हो जाएगा जीरो। तो बेसिकली ये I2 जीरो हो गया सेकंड केस में, ठीक है। अब I2 इक्वल्स टू जीरो रखूंगा मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में रखूंगा तो V1 इक्वल्स टू Z11 I1, ठीक है, प्लस Z12 और ये हो जाएगा जीरो, बिकॉज I2 क्या है जीरो। तो इस इक्वेशन से आप देखिए कि जो Z11 की वैल्यू क्या है V1 डिवाइडेड बाय I1, तो ये आपकी क्या हो गई Z11 की वैल्यू, ठीक है। कब कैसे मिली अपने को, जब अपन ने I2 को जीरो रखा, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन में मैं रखता हूँ तो V2 इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 और जीरो, बिकॉज I2 की वैल्यू हमने जीरो रख दी, ठीक है। यहाँ से आपकी क्या आई Z21 की वैल्यू, वो क्या जाएगी V2 डिवाइडेड बाय I1, ठीक है। तो ये आपको कब मिली, जब आपने I2 को जीरो रखा, ठीक है। तो चारों वैल्यू निकल गई मैट्रिक्स की, तो देखिए तो ये देखिए ये वैल्यू आ गई आपकी Z11 की, Z12 की, Z21 की, Z22 की। देखिए Z11 की वैल्यू आपने निकाली, कैसे निकली Z11 की, जब आपने आउटपुट पोर्ट को ओपन सर्किट किया, ठीक है, यानी कि I2 को जीरो किया। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये यहाँ पे लिख रखा है ये I2 जीरो, ठीक है। और Z12 की वैल्यू कब निकली, जब आपने इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किट किया, यानी I1 को जीरो किया, ठीक है। तो अब ये है क्या बेसिकली, इनको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये Z22 है, Z22 ये है आपका ओपन सर्किट, बिकॉज आपको ये कैसे मिला है, सर्किट को ओपन किया इसलिए तब मिला ना, तो ये क्या होगा ओपन सर्किट। अब Z22 है यानी सेकंड पोर्ट की बात है, यानी आउटपुट पोर्ट की, तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट आउटपुट इम्पेडेंस, ठीक है। सिमिलरली ये क्या है Z11, ये इनपुट पोर्ट का है, तो ये भी क्या हो जाएगा ओपन सर्किट आउटपुट, सॉरी ओपन सर्किट इनपुट इम्पेडेंस,
ठीक है, बिकॉज वन वन है यानी इनपुट पोर्ट है। और जेड टू वन क्या हो जाएगा, ये बेसिकली क्या है, ये ट्रांसफर इम्पेडेंस है। यानी देखिए इसमें क्या करें, आप टू वन लिख रखा है ना, टू वन है यानी कि सेकेंड पोर्ट से फर्स्ट पोर्ट, तो ये आपका बेसिकली हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ओपन सर्किट, ओपन सर्किट ट्रांसफर इम्पेडेंस, कॉल आप ट्रांसफर कर रहे हो ठीक है। तो ट्रांसफर इम्पेडेंस कहां से कहां तक, फ्रॉम पोर्ट टू टू वन, बिकॉज टू से वन की तरफ ठीक है, और इस केस में आप वन से टू पोर्ट, इसलिए ये भी आपका एक ओपन सर्किट, ओपन सर्किट ट्रांसफर इम्पेडेंस है, ट्रांसफर इम्पेडेंस फ्रॉम पोर्ट वन टू टू, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक सिंपल जो नॉर्मली मोस्टली पूछा जाता है जेड पैरामीटर में, वो एक बार ऐसे सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ ठीक है। सिंपली मोस्टली अगर कोई टी नेटवर्क दे रखा है ठीक है, सिंपली ऐसा कोई टी नेटवर्क दे रखा है ठीक है, ये आपको दे रखा है जेड वन ओम, ये आपको दे रखा है जेड टू ओम, और ये आपको दे रखा है जेड थ्री ओम ठीक है। अब मैंने पूछ लिया किसकी जेड मैट्रिक्स है वो क्या होगी, वो बताइए ठीक है। यानी बेसिकली मैंने क्या पूछ लिया, जेड वन वन, जेड वन टू और जेड टू वन और जेड टू टू ठीक है। तो देखिए जेड वन वन अगर आपको निकालना है, यानी मैंने क्या बताया था, ये इनपुट है, ये बेसिकली ये जो इनपुट है ना, इन दोनों को आप ले लीजिए साथ में ठीक है, और ऐड कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, जेड वन वन ठीक है। तो जेड वन प्लस जेड टू, और तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे ये कलर चेंज कर लेता हूँ, ये आपका हो जाएगा जेड वन वन ठीक है। और सेकेंड अगर आउटपुट निकालना है यानी जेड टू टू, तो इन दोनों को ले लीजिए, और ये आपका हो जाएगा जेड टू टू ठीक है। यानी कि जेड टू टू आपका हो जाएगा जेड टू प्लस जेड थ्री, अब बचा क्या आपका, जेड वन टू और जेड टू वन, ये दोनों इक्वल होंगे और इनकी वैल्यू होगी जो बीच वाला जो बचा ना जेड टू, ये वाला ठीक है। बेसिकली देखिए आपकी चारों निकल गए, यानी आप मैट्रिक्स इजीली बना सकते हो ठीक है। तो ये हो गया आपका टी नेटवर्क, अगर ऐसा कोई टी नेटवर्क दे रखा है ना, ये बेसिकली इसमें टी बन रहा है इसलिए टी नेटवर्क है, ऐसा कोई टी नेटवर्क दे रखा है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ठीक है ऐसे। अब लेट्स से आपको कोई पाई नेटवर्क दे दिया होता ऐसे बेसिकली कोई, एक सेकंड वापस बनाता हूँ सही से, बेसिकली ऐसा कोई नेटवर्क दे देता आपको पाई नेटवर्क ठीक है, फिर पूछ लेता अब इस पर इस ये जो सर्किट दिया है ये पाई नेटवर्क है, जेड वन जेड टू जेड थ्री। अब मेरे को पूछ लिया होता कि इसका आप बताओ कि जेड पैरामीटर क्या होगा ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये एक बेसिकली एक पाई है, पाई यानी एक डेल्टा कनेक्शन है ये ठीक है। इसको आप पहले क्या करते हैं, स्टार में कन्वर्ट करते हैं, फिर स्टार में कन्वर्ट करते हैं, ये डायरेक्ट आपका निकल जाता है ठीक है ऐसे। मैं इसके एग्जाम्पल लूंगा, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं हम, वाई पैरामीटर। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपको, अगर आप कमेंट में उसका आंसर देना ठीक है। एक क्वेश्चन है ये जेड पैरामीटर निकालने इसके ठीक है। ये आपका ट्रांसफार्मर है ठीक है, जिसकी डॉट पोलैरिटी 1:n, ये एक आपका है आइडियल ट्रांसफार्मर ठीक है। ये आपका इनपुट वोल्टेज, ये आपका इनपुट करंट, ये आपका आउटपुट करंट, ये आपका आउटपुट वोल्टेज V2 ठीक है। सो अब मेरे को आप बताओ किसके जो जेड पैरामीटर है ना, यानी जेड वन वन, जेड वन टू, जेड टू वन और जेड टू टू, ये क्या होंगे ठीक है, ये आप बताना मेरे को ठीक है। कमेंट में मेरे को इसका आंसर देना, अगर आपको नहीं आता तो मैं ये नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लूंगा ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट आपका आता है वाई पैरामीटर ठीक है। वाई पैरामीटर, एक और चीज, जब जेड पैरामीटर हमने निकाले थे तो उसमें हमने क्या किया था, सर्किट को ओपन किया था, तो इसलिए हम जेड पैरामीटर को ओपन सर्किट पैरामीटर भी बोलते हैं ठीक है ना। अब आते हैं वाई पैरामीटर, वाई यानी आपका एडमिटेंस यानी इम्पेडेंस का जस्ट रिवर्स ठीक है। अब इस केस में भी आप मोस्टली इक्वेशन ही याद करते हो, इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं होती, सिंपली आप ये रखो कि जो करंट आपका होता है वो आपका फंक्शन होता है वोल्टेज का ठीक है, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज,
इसका वो फंक्शन होता है बेसिकली, ठीक है। तो अब इससे हम इसकी अगर इक्वेशन लिखे तो क्या आ जाएगा, इनपुट करंट और आउटपुट करंट, ठीक है, वाई वन वन और वी वन आ जाएगा, प्लस वाई वन टू वी टू और वाई टू वन वी वी वन प्लस वाई टू टू वी टू, ठीक है। अब इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हो तो आई वन आई टू मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी एडमिटेंस मैट्रिक्स, आई वन वन वाई वन टू वाई टू वन वाई टू टू, ठीक है, और ये आपका वोल्टेज हो जाएगा, ये आपकी क्या हो गई मैट्रिक्स फॉर्म, और ये जो आपकी है ये आपकी एडमिटेंस मैट्रिक्स है, ठीक है। और इनको ये जो वाई वन वन है वाई वन टू वाई टू वन वाई टू टू ये आपके वाई पैरामीटर्स है, ठीक है। इनकी वैल्यू बेसिकली अपने को निकालनी होती है, क्वेश्चंस में पूछते हैं मोस्टली। तो अगर इसका नॉर्मल अगर मैं सर्किट बनाऊं, ठीक है, तो देखिए वो कुछ इस तरह बनता है बेसिकली, आपका कोई देखिए नेटवर्क होगा, ठीक है, नेटवर्क हो गया ये आपका, ये आपका इनपुट पोर्ट हो गया, ठीक है, ये आपका इनपुट करंट सोर्स आई वन, ठीक है, और यहाँ पे ये जो वोल्टेज है ये क्या हो गया वी वन आई वन, ठीक है। अब फर्स्ट देखिए ये फर्स्ट क्या, ठीक है, इसके से मैंने क्या किया, जो आउटपुट जेड पैरामीटर में के केस में क्या कर रहे थे अपन, कि सर्किट को ओपन कर रहे थे, तो इस केस में हम क्या करते हैं शॉर्ट सर्किट कर लेते, ठीक है। तो फर्स्ट केस हमने क्या लिया कि आउटपुट पोर्ट को हमने क्या किया शॉर्ट सर्किट, यानी आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और एक केस क्या लेंगे हम कि जो इनपुट पोर्ट होगा उसको शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, इनपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो ये सॉरी ये पोलैरिटीज की ऊपर की तरफ होगी, ठीक है, नीचे भी ले सकते हो लेकिन उसके बाद आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, अपोजिट लेना पड़ेगा, ठीक है। ये करंट क्या हो जाएगा आई टू, और यहाँ पे जो क्या था वी टू वोल्टेज था, तो वी टू क्या हो जाएगा जीरो, बिकॉज क्या है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अब वी टू जीरो आया तो इक्वेशन में हम वी टू जीरो रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं आई वन इक्वल्स टू क्या था वाई वन वन इंटू वी वन, ठीक है, प्लस वाई वन टू इंटू वी टू, अब वी टू की वैल्यू क्या है जीरो, तो यहाँ से देखिए वाई वन वन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से आई वन वन डिवाइडेड बाय वी वन, ठीक है, तो ये आपके बेसिक वाला आप वाई वन की वैल्यू आपके पास आ गई, दैट इज आई वन डिवाइडेड बाय वी वन, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन जो दूसरी इक्वेशन है उसे रखते हैं हम वी टू इक्वल्स टू जीरो, वो क्या जाएगा वाई वन वाई टू वन मल्टीप्लाई वी वन प्लस वाई टू टू मल्टीप्लाई जीरो, बिकॉज वी टू क्या है जीरो, ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा वाई टू वन, उसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी आई टू डिवाइडेड बाय वी वन, तो आपका वाई टू वन क्या आया, तो वाई टू वन इक्वल्स टू आई टू डिवाइडेड बाय वी वन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब जो सेकंड केस था उसमें क्या हमने क्या किया, इनपुट पोर्ट को आपको शॉर्ट सर्किट करना है, ठीक है, तो ये आपका इनपुट पोर्ट था, तो इसको लो शॉर्ट सर्किट कर लेते, ये कर दिया शॉर्ट, यानी इस केस में क्या हो जाएगा वी वन क्या हो गया आपका जीरो, ठीक है, करंट तो फ्लो हो ही रहा है आई वन, और ये आपका आई टू, ठीक है ना। अब देखिए अब वी वन इक्वल्स टू जीरो ये आपको रखना है, ठीक है, तो ये हम रखते हैं, ये आपका हो जाएगा वाई वन वन, क्या था वी वन, वी वन यानी जीरो प्लस वाई वन टू वी टू, ठीक है, तो यहाँ से आपकी वाई वन टू की वैल्यू आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी वाई वन टू इक्वल्स टू आई वन डिवाइडेड बाय वी टू, तो ये यहाँ पे वाई वन टू की वैल्यू क्या आ जाएगी आई वन डिवाइडेड बाय वी टू, ठीक है। ये तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन से निकली, अब सेकंड इक्वेशन में रखते हैं वी वन इक्वल्स टू जीरो, तो आई टू मल्टीप्लाई वाई टू वन जीरो प्लस वाई टू टू वी टू, ठीक है, तो वाई टू टू की वैल्यू क्या आ गई आई टू डिवाइडेड बाय वी टू, यानी वाई टू टू इक्वल्स टू आई टू डिवाइडेड बाय वी टू, तो आपके देखिए चारों पैरामीटर निकल गए वाई वन वन वाई टू वन वाई वन टू और वाई टू टू, ठीक है, यानी आप वाई पैरामीटर निकाल सकते हो, ठीक है।
निकाला, Y12 निकाला, Y21 निकाला और Y22 निकाला, ठीक है। तो Y11 हमें कब मिला, जब आपने आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट कर दिया, यानी V20 हो गया, ठीक है। और Y12 कब मिला, जब आपने इनपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। तो आपको ये पैरामीटर कैसे मिले, जब आपने शॉर्ट सर्किट किया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा Y11, ये क्या बेसिकली इनपुट है ना, इनपुट का एडमिटेंस है। तो कैसे मिला आप देखो, शॉर्ट शॉर्ट सर्किट करके, तो शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किटेड इनपुट एडमिटेंस, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट से मिला ये भी, तो शॉर्ट सर्किटेड आउटपुट एडमिटेंस, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, ट्रांसफर है, मतलब फर्स्ट पोर्ट से सेकंड पोर्ट पे ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर एडमिटेंस, ट्रांसफर एडमिटेंस कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम पोर्ट 1 to 2, ठीक है। सिमिलरली ये भी आपका क्या है, शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर एडमिटेंस फ्रॉम पोर्ट 2 to 1, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें सिंपल, एक मोस्टली इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा पाई सर्किट का पूछा जाता है, यानी डेल्टा कनेक्शन जैसा कुछ होता है, ठीक है। अगर सिंपली ऐसा कोई कनेक्शन दे रखा है आपको, तो आप उसका डायरेक्ट एडमिटेंस पैरामीटर निकाल सकते हो, यानी Y11, Y22, Y21 और Y12, ठीक है। ऐसा कोई आपको सर्किट दे रखा है, ठीक है, इसका एडमिटेंस दे दिया आपको Y1, इसका Y2 और इसका Y3, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि ये एडमिटेंस है, नॉट कि ओम में इम्पेडेंस नहीं दे रखा, ठीक है। अगर आपको इम्पेडेंस दे रखा है तो उसको पहले एडमिटेंस में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, ऐसे दे रखा है। अब मैंने पूछ लिया आपको कि Y11 क्या होगा, Y22 क्या होगा, Y12 क्या होगा और Y21 क्या होगा। तो बेसिकली अगर ऐसा कोई पाई नेटवर्क दे रखा है तो आपको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए, देखते निकल जाना चाहिए आपसे, ठीक है ना। तो बेसिकली देखिए Y11 कैसे निकलेगा, ये जो दो पैरामीटर है ये जो है ना, इनको आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा आपका Y111, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, Y1 + Y2, ठीक है। अब जो सेकंड है उसके लिए आप क्या करिए, ये जो पोर्ट है ना Y2 और Y3, इनको जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा Y2 + Y3, ठीक है। और Y12 और Y21 है ना, इसके लिए जो बीच वाला जो पोर्ट है ना Y2, इसका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, माइनस का Y2 और माइनस का Y2, तो ये आपके चारों पैरामीटर निकल गए, ठीक है। तो आप सिंपली डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई भी पाई नेटवर्क दे रखा है डायरेक्ट आप निकाल सकते हो अगर पूछ ले तो, ठीक है। मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे आपको निकालने के लिए, देखते क्वेश्चन निकल जाएगा डायरेक्ट ऐड करके, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाकी जो दो पैरामीटर बचे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है।